गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? हमारा चला था बेटा ग्राफ, और ग्राफ में हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें सीखी हैं। उन्हीं बातों को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और हम आज का टॉपिक लेते हैं बेटा, ग्राफ से रिलेटेड ही है। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को देख करके हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और फिर मैंने आपको एक नई चीज़ और बताई थी, इंटरसेप्ट अंतःखंड क्या होता है। ठीक है, तो उसी बात को मैं एक बार रिलेटेड करता हूँ और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो देखो बच्चों, हमारा टॉपिक चला था बेटा कौन सा, ग्राफ। ये हमारा चला था ग्राफ। तो इक्वेशन को देख करके आप ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हो, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, यहाँ पर क्या है देखो, 3x क्या लिखा हुआ है बेटा, प्लस का 4y माइनस का 20 इजिकल टू 0। ये मेरे पास को इक्वेशन है, ठीक है, और इस इक्वेशन से मुझे यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है y और x के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y और x तो दे रखे, तो जो ग्राफ होगा y और x के बीच में ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही कह देता हूँ बेटा कि y ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ, आप लिखिए इसके अंदर क्या, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन y एंड x। ठीक है, ओके। तो देखो, आपको यहाँ पर y और x के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे कि x, ये यहाँ पर आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ग्राफ का, वो होता है हमारे पास कितना, y इजिकल टू mx प्लस का c। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और मैंने प्रूव करके निकाला था कि स्ट्रेट लाइन का जो ये इक्वेशन आता है किस तरीके से आता है। तो ये कैसे आया, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, बाकी इसका आगे का आप देखिए। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन होता है। तो ये जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लेके आइए। इस इक्वेशन के अंदर देखो, x के पास जो होता है बेटा, ये मास नहीं, ये m है, और इस m को हम बोलेंगे क्या बेटा, स्लोप या ढाल। क्या बोलेंगे इसको, स्लोप बोलेंगे। और ये स्लोप बेटा किसके लिए होता है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है उसको अपन m से दिखाते हैं, और बाकी जो स्लोप को हम किसे दिखाते हैं, tan थीटा शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या बेटा, ये m क्या है, स्लोप है। ठीक है, ये C क्या है, यहाँ पर C यहाँ पर है इंटरसेप्ट। क्या है बेटा, यहाँ पर इंटरसेप्ट, अंतःखंड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो अब इस इक्वेशन को आप इसके फॉर्म में चेंज कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Y है, यहाँ पर सिंगल है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर है ना कुछ और है, तो यहाँ पर सिंगल है, तो इस साइड का जो लेफ्ट साइड का जो होगा पोर्शन, वो क्या होना चाहिए बेटा, सिंगल होना चाहिए। तो देखिए बेटा, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको किसी तरीके से बना सकते हो यहाँ पर। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर मान लो बेटा माइनस कर देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, तो देखो आपके पास में क्या इक्वेशन बनता है यहाँ पर। देखो, ये माइनस का 4y इधर जाएगा बेटा, तो ये 4y बचेगा, और ये बेटा क्या है, 3x माइनस का 20 है ये। ठीक है, आपके नोट्स के अंदर कोई और एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 3x माइनस का 4y माइनस का 20 है, तो माइनस का 4y है जो है वो मैं इसको इधर लेकर के आ रहा हूँ, और अपने पास क्या बच गया बेटा, 3x माइनस का 20। तो y इजिकल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x बटा 4 और माइनस का 20 बटा 4, ये मेरे पास में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इस इक्वेशन की कंपेयर आप इससे करोगे, तो करने पर आप क्या पाते हो कि देखो यहाँ पर बेटा क्या x है, x के पास जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, ढाल होता है। तो यहाँ पर प्लस का 3/4 जो है यहाँ पे ढाल को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अंदर स्लोप जो होगा वो कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखो मैं इतना काम तो कर लेता हूँ, देखो स्लोप होगी पॉजिटिव। अब देखें पॉजिटिव स्लोप कैसी होती है, ध्यान से देखो बेटा कि पॉजिटिव स्लोप आप किस तरह से लोगे। आप देखो, पॉजिटिव स्लोप जो होती है वो होगी बेटा, अगर मैं राइजिंग लाइन ले लेता हूँ तो वो क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है। अब राइजिंग लाइन लूँगा, चूंकि बेटा देखो ग्राफ किस इक्वेशन किसका है बेटा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है तो यहाँ पर क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आप स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींचोगे, इस तरीके से खींचोगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है, और तीनों के अंदर स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप हमारा इस इक्वेशन के अनुसार क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये स्लोप हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, और हमने इसके लिए यहाँ पे तीन ग्राफ जो ड्रॉ कर लिए जो कि हो सकते हैं। अब तीनों में से कौन सा ग्राफ जो है इस इक्वेशन में होगा,
वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपने जो सी जो है ये इसका सी है, ये क्या बेटा इसका अंत्यकरण है, इंटरसेप्ट है इसका, ये इंटरसेप्ट है इसका, कंपेरिजन कीजिए इससे बेटा, ये सी है, ये क्या सी है, सी यहाँ पे क्या बेटा नेगेटिव है। अब जब सी नेगेटिव है इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस ग्राफ के अंदर सी की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू जहाँ पर नेगेटिव होगी वो ग्राफ, वो लाइन जो है उसी ग्राफ को, इस ग्राफ को शो करेगी। तो देखते हैं बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लिए जो सी आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है सी पॉजिटिव आ रहा है। इसके लिए सी क्या आ रहा है, इसके लिए सी कितना आ रहा है बेटा जीरो आ रहा है, और इसके लिए सी कितना आ रहा है बेटा नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि स्लोप इसके लिए क्या है नेगेटिव है। तो हमारा जो ग्राफ होगा इसका, तो ये ग्राफ हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ग्राफ कौन सा होगा, इस तरह का होगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आपको कोई इक्वेशन दी हो और उस इक्वेशन पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम किस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है सिंगल होनी चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन जो है वो बन जाता है। लेकिन मान लो बेटा यहाँ पर मैं स्क्वायर कर भी देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर में यहाँ पे कर भी देता हूँ, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना बेटा वो वाई स्क्वायर और एक्स के बीच में ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से फिर वो वाई स्क्वायर के बीच में बनेगा, यूँ नहीं है कि अपन इसमें वाई को ले ले और ग्राफ बना ले, ऐसा नहीं होगा। ये बातें जो है आगे जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, आगे नेक्स्ट चलूंगा, तो उसमें और बातें क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं इसका आगे का क्या करते हैं। देखें अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन लेता हूँ और नेक्स्ट इक्वेशन से मैं यहाँ पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। तो देखें किस तरह से ग्राफ इक्वेशन को देख करके हम ग्राफ बनाते हैं यहां पर। तो देखो बच्चों, देखो मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो कितनी है बेटा, 2x प्लस का y है इजिकल टू बेटा कितना, 0 है यहां पर, ये मेरे पास इक्वेशन है। और आपको यहां पर इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि यहां पर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हो वो कितनी होती है, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस का सी होती है, ठीक है। तो इसको आप रखिए, तो इस समीकरण को आप इस फॉर्म में लेकर आइए, तो लेकर के आओगे तो आपके पास में क्या बनेगा, 2x c यहां पे कुछ है ही नहीं, वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहां पर ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो मैं अगर इसकी कंपैरिजन इसके साथ में करता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलता है, मैं देखता हूं कि देखो ये जो क्या है, ये स्लोप है, m यहां पर स्लोप को दिखाता है, x के पास में क्या बेटा m है, तो ये यहां पर क्या है स्लोप है, यहां पर क्या है, यहां पर स्लोप है, और ये स्लोप किसमें बेटा नेगेटिव के अंदर है। तो हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो देखें मैं इस ग्राफ का स्लोप जो निकाल रहा हूँ नेगेटिव है, आपको पता है बेटा नेगेटिव स्लोप के लिए क्या होती है, फॉलिंग लाइन होती है, और फॉलिंग लाइन जो होती है किस तरह से बनती है, देखो फॉलिंग लाइन जो होती है इस तरह से बनती है, सबको पता है बेटा। मैं राइजिंग लाइन और फॉलिंग लाइन का डिस्कस जो है मैं स्लोप में बहुत डिटेल में कर चुका हूँ। तो यानी कि नेगेटिव स्लोप तो ये तीन होगी, 1, 2 और 3। अब इस ग्राफ के लिए कौन सी वाली स्लोप होगी, ये इस इक्वेशन के लिए कौन सी वाली स्लोप होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी या ये वाली होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो सी दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है वो कितना है। क्योंकि बेटो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं इसके लिए सी की बात करता हूँ तो सी कितना इसके लिए पॉजिटिव है, अगर मैं इसके लिए सी की बात करता हूँ तो सी कितना बेटा इसके लिए नेगेटिव है, और अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ तो सी कितना है, 0 है। अब हमारे इक्वेशन में हम देखेंगे कि सी का मान कितना है, अगर सी का मान पॉजिटिव है तो ग्राफ ही हो जाएगा, अगर सी का मान 0 है तो ग्राफ ही हो जाएगा, अगर सी का मान नेगेटिव है तो हमारे पास ग्राफ जो है ये वाला हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे हमने देखा इक्वेशन के अंदर कि सी का मान तो कितना बेटा, सी का वैल्यू कितना, 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि सी का वैल्यू 0 ये है, तो इसका मतलब इसके लिए जो ग्राफ होगा ये वाला होगा। तो ये वाला ग्राफ होगा, इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। तो मैं इसको अलग से बना देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये बेटा क्या है, वाई है, ये एक्स है, और ये इसका ग्राफ हो गया। ये बिल्कुल बेटा फ्री हैंड बनाया है, इसे थोड़ा सा हो सकता है इसके अंदर कुछ, लेकिन ये यूं जाएगा ग्राफ, ये यूं जाएगा। तो ये इसका ग्राफ जो है बनता है इस तरीके से। तो देखिए इसको, तो यहाँ पर कुछ नहीं बेटा, सिंपल है, आप इक्वेशन बनाइए और उस इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उससे कंपेरिजन कीजिए, और कंपेरिजन करने के बाद आप देखेंगे कि स्लोप है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो स्लोप बना लीजिए, फिर देखिए बेटा इंटरसेप्ट कितना इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है या 0 है, जो जैसा हो उसके हिसाब आप चूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके से था।
अब देखिए हम और भी देखेंगे कि हम इक्वेशन को देख करके ग्राफ जो है, कोई भी इक्वेशन हो बेटा, हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये बातें हमारे बहुत काम में आएगी जब आप आगे टॉपिक पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना, और भी किसी चीज़ पढ़ोगे तो उसके अंदर जो है इक्वेशन को देख करके ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है तो वो आपके बहुत हेल्प करेगा। देखते हैं बेटा यहाँ पर, जैसे कि आपको देख रहा 5x माइनस का 3y, मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ जो आपकी PDF के अंदर, आपके नोट्स के अंदर है, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे नोट्स को समझने में। तो ये है बेटा fx माइनस का 3y है और इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या देखोगे, पहले आप इसके अंदर ये देखोगे कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा क्या होता है, y = mx + c, यही होता है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखाइए, तो लेकर आते हैं बेटा, देखो तो मैं इस इक्वेशन लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर, 3y = बेटा कितना 5x, ओके, तो y = कितना हुआ 5x / 3, ओके, ये हुआ। अब इस इक्वेशन की आप इससे कंपेरिजन कीजिए, तो कंपेरिजन करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इस पर स्लोप कितना बेटा 5/3, वो आपसे सिंपल स्लोप भी पूछ सकता है कि भैया इस इक्वेशन का बताओ स्लोप कितना है, तो आप बोलोगे स्लोप कितना 5/3, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप बोलोगे यहाँ पे पॉजिटिव है तो स्लोप क्या हुआ पॉजिटिव हुआ। तो मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूँ, जब मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, देखें स्लोप क्या है बेटा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्लोप के लिए हमेशा आता है राइजिंग लाइन, और राइजिंग लाइन बेटा ये होती है, सबको पता है राइजिंग लाइन ये होते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं अपन, तो ये अपने पास में हो गए। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है, ये बेटा वाई है, ये एक्स है, मुझे यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी जो लाइन है, ये लाइन कौन सी लाइन जो है इस इक्वेशन के लिए बिल्कुल सही फिट बैठती है, तो वही ग्राफ होगा बेटा। तो यहाँ पे मैंने देखा स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, अब ये होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि इस पर सी कितना है, इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट ये वाला इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, जीरो है एंड नेगेटिव, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा इक्वेशन के अंदर बेटा इंटरसेप्ट यहाँ पे कुछ देर खानी है, तो कितना होता है बेटा जीरो ही होता है, तो यानी कि जीरो इंटरसेप्ट किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ होगा वो ये वाला होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है ग्राफ इक्वेशन को देख करके ग्राफ बनाया, और आपने यहाँ पे देखा कि इसमें इंटरसेप्ट का कितना बेहतरीन रोल है यहाँ पर, कि अंत्यखंड जो है इंटरसेप्ट होता है वो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है, ठीक है, उसके बेस पर हम जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हमें स्लोप भी पता होनी चाहिए कि स्लोप कैसी बनेगी इस पर, तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हमने यहाँ पर ग्राफ को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर वो चीज़ें हमें पता नहीं होती तो हम इस ग्राफ को कभी ड्रॉ नहीं कर पाते। तो चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के ही बड़ी चीज़ बनती है, तो सब बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपका जो ग्राफ है कुछ ग्राफ्स में कुछ इक्वेशंस दूंगा और उस पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये प्रैक्टिस है बेटा। तो देखते हैं बेटा यहाँ पर मेरे पास कोई इक्वेशन है, यहाँ पर v = बेटा कितने u + atn, ये मुझे इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, फिर मुझे यहाँ पर ये कहा है कि ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन v and t, ओके, इसने ये बोल दिया कि V एंड T के बीच में आप ग्राफ खींचिए। तो देखो बेटा आप किस तरह से ग्राफ खींचोगे, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ बेटा V एंड T, ये V बनाया, ये मैंने T बनाया, ओके, अब देखते हैं, अब सुनो बात को, इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि V जो बेटा क्या है Y पर जा रहा है, तो ये Y डाल दिया मैंने इस पर, ओके, टी कहां पर जा रहा है, एक्स पर जा रहा है, तो ये एक्स है, तो यहां पे मैंने एक्स डाल दिया, ठीक है। अब देखो चूंकि यहां पर आप ये देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कैसे, क्योंकि इसकी पावर क्या है बेटा 1 है, इसकी पावर क्या है, इसकी 1 है, ठीक है, ये पावर 1 है, तो ये यहां पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है बेटा y = mx + c, यही होती है, ठीक है, ये एक्स है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा इसका m हो जाएगा बेटा, ये mx, ये m हो जाएगा, ये प्लस का प्लस, और ये क्या बेटा c है, ये तो c हुआ ना, तो ये इक्वेशन ओवरऑल ऐसी बनी कि नहीं बनी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया
कि देखो स्लोप कितना है, स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, स्लोप कितना इसका पॉजिटिव है, क्या लिखूंगा, स्लोप पॉजिटिव है इसका, ठीक है। ठीक है सर, देखो इस इक्वेशन को देख करके मुझे बात पता चल गई कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है सर। दूसरी बात सर, मैंने देखा यहाँ पे स्लोप जो है वो कितना है, पॉजिटिव है, क्योंकि टी यहाँ पे एक्स एक्सिस पर है और एक्स के पास जो होता है वो स्लोप को दिखाता है, एक्स के पास जो होता है वो स्लोप को दिखाता है, तो एक्स के पास में क्या बेटा ए है और ए कितना पॉजिटिव के अंदर है, इसका मतलब स्लोप इसका पॉजिटिव के अंदर होगा, ठीक है सर, स्लोप इसका पॉजिटिव के अंदर है। तो अब देखो यहाँ पर एक बात भी सीधी होगी कि स्लोप इसका कितना पॉजिटिव में, ठीक है। फिर देखिए सी, देखिए बेटा सी क्या है इसका, पॉजिटिव में, सी इसका पॉजिटिव में, तो स्लोप भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, अंतःखंड इंटरसेप्ट इसका कितना पॉजिटिव है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसे ग्राफ जो है अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ स्लोप, तो तीन बन जाते हैं बेटा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि तीनों के अंदर बेटा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये देखना है कि इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट कितना बेटा पॉजिटिव के अंदर है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव के अंदर सिर्फ इसके अंदर ही आ रहा है, इस ग्राफ के लिए ही आ रहा है, तो यानी कि इसके लिए ये वाला ग्राफ सही होगा। और फिर मैं इसको सिंगल इसको बनाना चाहूं, तो मैं बना सकता हूं ये वी है और ये टी है, ठीक, ये ग्राफ बनेगा। फिर इस पीछे वाले पार्ट को मैं डॉट 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 कर देता हूं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो ये बनकर आता है हमारे सामने। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये इक्वेशन दी हो और हम जो है ग्राफ को किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, स्लोप की ज़रूरत थी और इंटरसेप्ट क्या होता है उसकी ज़रूरत थी, वो हमें पता था, तब हमने आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब देखो आगे देखते हैं बेटा, इस पर और भी इक्वेशंस हैं तो उसको भी करते हैं कि वो इक्वेशंस क्या बोलती हैं, उसका ग्राफ जो होता है वो किस तरह से निकल के हमारे सामने आता है। तो देखो बच्चों, देखो नेक्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास में वो ये है आर टी, फिर है बेटा क्या अपने पास में आर नॉट वन प्लस एल्फा टी, वन प्लस एल्फा टी यही है, ठीक है। यहाँ पे अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच में बेटा, आर टी एंड टी के बीच में, आर टी एंड टी के बीच में आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं ये क्या है आर टी है और ये क्या है टी है, इसके बीच में ग्राफ निकालना है। तो देखो बेटा पहले तो हम इसको लेके आएंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे और कंपेरिजन करेंगे बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, क्योंकि बेटा हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है कोई स्क्वायर नहीं है इसका, और ग्राफ भी बेटा किसमें 72, यहाँ पे स्क्वायर होता और ग्राफ बेटा स्क्वायर में होता ना, तब हम इसको एक ही मानते वैल्यू को, कैसे वो आगे बताऊंगा बेटा। यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि ये जो दिया हुआ बेटा पास में आर टी इज इक्वल टू आर नॉट और वन प्लस एल्फा टी, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, पहले इसकी इक्वेशन को पूरा सेट करते हैं। तो देखो बेटा ये क्या है आर टी है और यहाँ पर आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी है, यही है बेटा। चलो अब देखिए आर टी जो बेटा किस पे है, y पे है, तो आप ये y पे है तो आपने लिखा इसको y। फिर देखिए बेटा t जो है वो किस पे है, x पर है, तो ये कितना बेटा x पर है, और आपको पता है बेटा x के पास जो होता है वो क्या होता है, m होता है, तो ये क्या है m है। फिर देखिए प्लस ये बेटा क्या है, इंटरसेप्ट होता है, ये इंटरसेप्ट होता है y, क्योंकि बेटा हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में देख चुके हैं, ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बेटा एम एक्सप्रेस का c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर जो t के पास में बेटा जो आ रहा है वो t क्या है बेटा, x एक्सिस पर है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा x। x के पास क्या होता है बेटा, स्लोप होता है, इसका मतलब ये क्या है, इसका स्लोप है। तो आप इक्वेशन को देखकर भी बता सकते हो कि यहाँ पर ग्राफ का, इसका जो ग्राफ जो बनेगा इसका, इसका स्लोप क्या होगा, तो आप बोल दोगे आर नॉट एल्फा, स्लोप बता सकते हो बेटा इक्वेशन से, अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा इस पर। आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा ये इसका स्लोप हो गया, स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप भी पॉजिटिव। फिर देखिए बेटा इंटरसेप्ट कितना इसका आर नॉट, सिंपल, वो आपसे इंटरसेप्ट भी पूछ सकता है कि भाई इंटरसेप्ट बताओ इसको, तो आप इसका इक्वेशन देख करके आप बता सकते हो। ये सब बातें आप तभी बता सकते हो जब आपको एक एक चीज क्लियर हो, और वो हम करवाते हैं, एक एक चीज क्लियर करवाते हैं बेटा। यहाँ पे देखो कोई रटवाया नहीं है,
कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया, स्ट्रॉन्ग किया, क्लियर किया है। तो वो सारी चीज़ें हमने लिए, छोटी छोटी चीज़ें लिए, उन सब से ये चीज़ें मिलकर के बनी है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी, ये इसका स्लोप हो गया, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव के अंदर है। यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव के अंदर है। तो आप बना सकते हो इस ग्राफ को, यू इस तरह से ले सकते हो बेटा, ये इस तरह से। स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइजिंग लाइन है, और राइजिंग लाइन का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फिर देखिए बेटा इंटरसेप्ट से कितना बेटा पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव मान सकते हो। फिर इसको आप डॉट 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 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ग्राफ का जो है हम आगे वाला पोर्शन ही लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने पास में जो इस इक्वेशन है उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। हाँ, तो देखो बच्चा, हम यहां पर इक्वेशन को देख के ग्राफ बना रहे थे, तो हम आगे लेते हैं बेटा। हमारे पास एक इक्वेशन और है, देखिए क्या इक्वेशन, R इजिकल टू बेटा यहां पर क्या है, K थीटा थीटा नोट, ये हमारे पास में इक्वेशन है, ठीक है। और यहां पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना बेटा R वे थीटा के बीच में, तो यहां पर ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन किसके बीच में बेटा, आर एंड थीटा के बीच में, बिटवीन आर एंड थीटा, ओके। तो देखो बच्चों, आर में थीटा के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, तो देखिए आर इजिकल टू के है थीटा और के थीटा नॉट, ये हमारे पास में इक्वेशन निकल के आ गई है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, इस इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे अपन किससे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, क्योंकि ये देखने में लग रहा है कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा क्योंकि ये बेटा देखो यहाँ पे पावर कितनी बेटा 1 है, जब ये पावर 1 है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन का बीच में ग्राफ बनेगा, तो इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अपने पास में ग्राफ है, ये देखो ये आर है यहाँ पर, और ये अपने पास में कितना थीटा है, ठीक है। तो देखिए R को बेटा आपने किस पे लिया है, Y पे लिया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे Y। फिर देखिए बेटा थीटा अपने पास कहाँ है बेटा, X पर है, तो ये अपने पास में X हो जाएगा थीटा बेटा, तो ये अपने पास में MX हो गया, ठीक है। MX कैसे हुआ, क्योंकि X के पास क्या होता है, M होता है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो K है किसको दिखाएगा, M को दिखाएगा। फिर माइनस का माइनस, और ये क्या अपने पास में इंटरसेप्ट, ये क्या है, सी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू mx माइनस का c, जो कि बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की ही तरह बेटा है, वही इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो y इक्वल टू mx माइनस का c बन गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो स्लोप है वो कितनी है बेटा, k थीटा है। स्लोप यहाँ पे क्या है, k है, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो क्या है बेटा, x है, थीटा यहाँ पर कौन सा है, x एक्सिस है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हुआ, अपने पास में m हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट है वो कितना है, वो है माइनस का के थीटा नॉट, ठीक है। तो अब देखिए स्लोप यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है। आपको पता है बेटा कि जो पॉजिटिव स्लोप जो होता है वो, देखो ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, और ये भी पॉजिटिव स्लोप है यहाँ पर, ठीक है। ये सब के सब यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप के ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा, इसका इंटरसेप्ट कितना, इसका माइनस के अंदर है, तो जो इंटरसेप्ट माइनस के अंदर आएगा वो ही इस इक्वेशन के ग्राफ को शो करेगा, ठीक है। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि यहां पर माइनस के अंदर इंटरसेप्ट है, माइनस के अंदर इंटरसेप्ट बेटा कहां आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो यानी कि इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बन करके आएगा। तो यहां पर मैं इस लाइन के लिए अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, तो देखिए मैं यहां पर बना सकता हूं इसको ऐसे, ये देखिए ये यहां पर मैं ऐसे ले गया इसको, ठीक है, यहां पर ले गया, और फिर मैंने यहां पर लिखा बेटा कितना आर, और यहां पर लिखा मैंने थीटा, ठीक है। तो आप इसको डॉट डॉट कर दीजिए, तो ये जो है ग्राफ जो बन गया वो इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन को देख करके हम यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। आगे यहाँ पर कुछ ग्राफ और भी आएंगे जो थोड़े से हटके हैं, लेकिन आपको एक बार लग सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करें, लेकिन ये है कि बाद में आपके पास अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए बेटा कैसे करोगे उसको, आप देखें, देखो नेक्स्ट है अपने पास में ये है ईवी नॉट इजिकल टू बेटा यहां पे कितना है
एच म्यू और एच म्यू नॉट, ये है अपने पास में, ठीक है। और आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। लिखिए आप इसके अंदर ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन बिटवीन वी नॉट एंड म्यू, वी नॉट एंड म्यू, ठीक है। चलो देखते हैं भैया हमें यहाँ पर इस ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आओ देखें। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ पर अपने पास में ई वी नॉट, ये इक्वेशन है, ओके ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा वो अपन देखते हैं बेटा। पहले ये देखेंगे बेटा अपन कि वी नॉट और म्यू के बीच में, तो यहाँ पर क्या है वी नॉट है और यहाँ पर क्या है बेटा म्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अपन क्या लेंगे कि जो वी नॉट है बेटा वो किस पर है, वी नॉट वाई एक्सिस पर है और म्यू जो है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप इसको इधर लेके जाइए और इसको सिंगल बनाइए। तो मैं इसको सिंगल बनाऊंगा, तो वी नॉट एच म्यू ई है और माइनस का एच म्यू नॉट और ये अपने पास में ई बन गया है, ठीक। अब देखो ये कहाँ है y एक्सिस पर है, तो मैं इसको लिखूंगा y एक्सिस पर, ओके। फिर देखेंगे बेटा आप यहाँ पर ये जो म्यू है यहाँ पर, ये म्यू कहाँ पर है x एक्सिस पर है, तो ये क्या हो गया x हो गया, ठीक है। ये h अपॉन क्या है, क्योंकि x के पास में क्या होता है, x के पास में m होता है, स्लोप होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है m एक्सप्रेस का c होती है, ठीक है। x के पास में क्या बेटा m है, तो यहाँ पर आप लिखोगे m, तो ये क्या है अपने पास में h अपॉन e जो है ये क्या है m है यहाँ पर, ये क्या है m, ओके। माइनस का आपने माइनस डाल दिया। फिर बाद में देखिए ये यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे ये म्यू नॉट, ये टोटल एच म्यू नॉट ई, चूँकि बेटा इसके पास में क्या होता है सी होता है, तो ये पूरा पूरा क्या है हमारे पास में सी है और ये नेगेटिव के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है क्या बन गया बेटा स्ट्रेट लाइन का जो है इक्वेशन हमारे पास में आ गया है। अब आप देखेंगे क्या देखोगे, आप यहाँ पर देखिए कि आपसे पूछे कि भाई इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो आप बोल दोगे कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कितना है एच अपॉन ई है और इसका जो स्लोप है वो कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव है, कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इंटरसेप्ट है यहाँ पर, इसका इंटरसेप्ट जो है वो क्या है नेगेटिव के अंदर है, तो यहाँ पर जो सी है वो क्या है नेगेटिव के अंदर है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, तो आप बोल दोगे एच म्यू नॉट अपॉन में ई, ये क्या है इसके बारे में चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर इन सब का डिटेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी मैं चर्चा नहीं करता यहाँ पर, डिस्कस नहीं करता, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्लोप कितना इसका बेटा पॉजिटिव है और सी इसका कितना बेटा नेगेटिव है, इंटरसेप्ट इसका कितना नेगेटिव है, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको पता बेटा स्लोप क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्लोप जो होता है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ये तीनों स्लोप किसकी बेटा पॉजिटिव है स्लोप है, तो इसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर ग्राफ कौन सा वाला, ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये अपन को देखना है। तो ये इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, इंटरसेप्ट देखोगे कि सी इसका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर सी पॉजिटिव होगा तो इसके लिए ग्राफ ये होगा, सी जीरो होगा तो ये होगा और सी नेगेटिव होगा तो ये होगा इसके लिए। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर सी जो है इसके लिए नेगेटिव है, तो इसके लिए ग्राफ ये हो जाएगा। तो मैं इस ग्राफ को अगर दिखाना चाहूँ अलग से तो ये होगा अपने पास में ग्राफ, सी नेगेटिव है ना बेटा, तो सी नेगेटिव है तो इसके लिए ग्राफ जो है ये देखो वी है यहाँ पर और ये म्यू है यहाँ पर और ये डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ली और इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आए, उसका कंपेरिजन किया स्ट्रेट लाइन से और लेने के बाद में हमने यहाँ पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब देखिए आगे और भी हैं बेटा एग्जांपल्स जिसमें हम इक्वेशंस लेंगे और उसको देख करके हम यहाँ पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो किस तरह से करते हैं आओ देखिए, देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इक्वेशन बेटा वी स्क्वायर इजिक्वल बेटा यू स्क्वायर प्लस में टू ए एस, ये मुझे यहाँ पर गिवन है इक्वेशंस और मुझे यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी स्क्वायर एंड एस, वी स्क्वायर एंड एस के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, वी स्क्वायर एंड एस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना, ये दिया है बेटा वी स्क्वायर एस के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो देखो आप इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखिए बेटा यहां पर आप क्या करोगे, देखते हैं। ये अपने पास में क्या है बेटा, ये वी स्क्वायर है और ये एस है। आप बोलोगे सर देखो ये वी स्क्वायर है, ये एस है। आपने हमें पहले बताया था कि यहाँ पे पावर बड़ी है, यहाँ पे पावर छोटी है, तो सीधी सी बात है ग्राफ जो है वो छोटे पावर की तरफ घूम जाएगा और ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ये आप कह सकते हो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर ग्राफ जो ये एस लिया मैंने और यहाँ पे वी लिया और ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये ग्राफ जो है छोटे पावर की तरफ घूम जाएगा, सॉरी छोटे पावर की तरफ घूम जाएगा, इसका मतलब ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ सिंपल सा है, ऐसा होना चाहिए। आप कहाँ परेशान हो रहे हो, लेकिन बेटा मैं आपको बात बता दूँ कि यहाँ पर अगर मैं V और S के बीच में ग्राफ खींचता तो ये ग्राफ ऐसा बनता, ग्राफ जो है छोटे पावर की तरफ घूम जाता। लेकिन यहाँ पर मैं जो ग्राफ है V और S के बीच में ना खींच करके मैं यहाँ पर V स्क्वायर और S के बीच में खींच रहा हूँ, तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने वाली बात ही नहीं है कि आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पर जो ग्राफ जो है छोटे पावर की तरफ घूम जाएगा, क्यों सोचने की जरूरत है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ यहाँ पर V और S के बीच में नहीं है, V स्क्वायर और S के बीच में है यहाँ पर। तो देखें बेटा आगे, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर ये है, सॉल्व कर रहे हैं बेटा हम इसको, सॉल्व वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। देखो बच्चों यहाँ पर आप इसको पावर वन करने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्योंकि ये क्या है, ये टोटल का पावर वन ही है जो यहाँ जा रहा है बेटा, तो इसको पावर वन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता ना बेटा कि वी के बीच में ग्राफ खींचो तो बेटा आप इसका पावर वन लेकर के आते, है ना। तो ये पूरा पूरा क्या है बेटा, वी स्क्वायर क्या है, वाई ही है। वी स्क्वायर क्या है, वाई है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है, वाई है, ठीक है, ओके। एस पे क्या आ रहा बेटा, एक्स पर क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो ये अपने पास में क्या है, एक्स है। ये अपने पास में क्या बेटा, स्लोप है। और ये अपने पास में क्या बेटा, सी है, बाकी बचा सी होगा। तो ये जो इक्वेशंस आ रही है वो किसकी आ रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है। और स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से ड्रॉ होता है वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो बच्चों मैं इस ग्राफ को यहीं ले आता हूँ, ठीक है, और आप देखेंगे ये यहाँ पर V स्क्वायर और ये S है यहाँ पर, ठीक है। देखो बेटा स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर कौन सा वाला ग्राफ लेंगे, ये वाला या ये वाला, तो ये देखने का विषय। तो यहाँ पर जो C जो है ये बताएगा कि ग्राफ कौन सा वाला होगा। यहाँ पे देखेंगे बेटा C कितना है, पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है बेटा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे C जीरो है, यहाँ पे C नेगेटिव है, तो C पॉजिटिव कौन किसके लिए है, C पॉजिटिव इसके लिए। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ये वाला बनेगा। तो मैं यहाँ पर इसको ले सकता हूँ बेटा, कैसे देखो आप लीजिए इसको, यहाँ पे लीजिए इसको, ये जो ग्राफ है इस तरह से आएगा, ये वी स्क्वायर है और ये एस है, और इसको आप कर सकते हो बेटा कितना, डॉट डॉट डॉट, पीछे वाले पार्ट को डॉट डॉट कर सकते हो आप यहाँ पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये बन करके निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसके अंदर अपन आगे और भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेस ये बेटा पूरा, क्योंकि जो आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसके अंदर आएगा नहीं, तो जब इसके अंदर नहीं आएगा तो मुझे इसको पूरा ही रब करना पड़ेगा। अब देखें, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसके अंदर। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ये है, एग्जाम्पल है अपने पास में, इक्वेशन बेटा क्या दी हुई है, रूट वी, ओके। उसके बाद क्या बेटा, ए जेड माइनस का बी, ये हमारे पास में कोई इक्वेशन है और आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रूट म्यू वी, रूट वी एंड एंड बेटा क्या है इसके अंदर, जेड एंड जेड, ओके। तो इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे आओ देखते हैं बेटा। पहले तो आप इस इक्वेशन को लिखिए, रूट वी इजिकल टू बेटा ए है जेड माइनस का बी है, ओके। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे, तो ये ए जेड माइनस का ए बी, ए जेड माइनस का ए बी, ये हमारे पास निकल के आया है, ठीक है। तो रूट व्यू है, वी है रूट वी, ए जेड माइनस का ए बी यहाँ पर, ठीक है। चलो
अब देखो यहाँ पर अपन इसको ग्राफ खींचने अपने पास में रूट बी और जेड के बीच में, तो यहाँ पर मैं इसको अगर ग्राफ खींचना है हमें तो देखो रूट बी एंड जेड के बीच में, ओके। तो देखो तो यहाँ पर ये जो रूट वी का इक्वेशन है यहाँ पर, तो रूट वी का इक्वेशन है तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है हमारे पास, वाई बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाई बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको वाई, इक्वेशन हमारे पास में क्या है, मैं यहीं लिखता हूँ बेटा वी है और ये ए जेड माइनस का बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाई है यहाँ पर, ओके। फिर देखिए जेड कहाँ है, एक्स पे आ रहा है, तो ये क्या अपने पास में एक्स है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो अपने पास में क्या स्लोप बन गया बेटा, और ये अपने पास में माइनस, और ये क्या बन गया, सी बन गया। तो यहाँ पर सी कितना इंटरसेप्ट, कितना इसका माइनस के अंदर निकल के आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि मैं इसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो स्लोप पॉजिटिव है इसके अंदर, स्लोप क्या इसके अंदर पॉजिटिव है। देखो बेटा पॉजिटिव स्लोप जो है ये तीनों के तीनों यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। अब इन तीनों में से जो ग्राफ होगा, इन तीनों में से जो ग्राफ होगा वो कौन सा वाला होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर इंटरसेप्ट है वो कितना है यहाँ पर। तो देखिए तो इसका इंटरसेप्ट कितना माइनस का है, तो मैं यहाँ पर इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूँ, देखो बेटा स्लोप तो पॉजिटिव है और माइनस का है, तो ये ग्राफ जो है यूँ आएगा। तो ये यहाँ पर रूट का म्यू है और यहाँ पर जेड है, तो और यहाँ पर ये इसको डॉट डॉट कर दीजिए, तो इसका ग्राफ जो ये इस तरह से बन करके आएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे आप नेक्स्ट लिख सकते हो यहाँ पर, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखिए फिर नेक्स्ट जो है बेटा अपने पास में एक इक्वेशन, हाँ कंप्लीट है बेटा ये। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है ये जो ग्राफ बनाए हैं, तो ये ग्राफ किसके बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के बन रहे हैं। इक्वेशन देखी हमने और इक्वेशन देख करके हमने पहचान लिया कि ये इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तो जो ग्राफ होता है हमारा वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से बनता है, ठीक है। तो आप इक्वेशन को देख करके भी ग्राफ यहाँ पर बना सकते हो, और ग्राफ किस तरह से बनता है वो आपने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से बेटा कोई भी ग्राफ हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एक ग्राफ को देख करके हमें उसकी जगह पर वो क्या कह रहा है तो दूसरा ग्राफ बनाना होता है, उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड दूसरी फिजिकल क्वांटिटी देख करके आपको यहाँ पर ग्राफ पूछा जाता है कि भाई उसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनता है। तो इक्वेशन ग्राफ देख करके एक अन्य ग्राफ बनाना, अदर्स ग्राफ ड्रॉ करना, वो किस तरह से हम करते हैं वो यहाँ पर अभी हम सीखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, तो देखिए बेटो यहाँ पर एग्जाम्पल 6 है वो आपको बेटा खुद करना है, स्वयं करना है, HW है, और मैं आपको कराता हूँ एग्जाम्पल 7, ठीक है, इसी तरीके का है वो। तो देखिए बेटा 7 एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, टाइम पोजिशन ग्राफ ऑफ पार्टिकल moving on x axis according to figure, फिर लिखा बेटा draw the velocity time graph for same motion, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि टाइम पोजिशन ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार समय और स्थिति का ग्राफ है वो आपको दिया हुआ है, जिसमें एक्स एक्सिस पर कण जो है वो गति कर रहा है ग्राफ के अनुसार। फिर बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सेम पोजिशन, सेम मोशन के लिए, इसी मोशन के लिए आपको यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का जो है वो ग्राफ बनाना है। यहाँ पर देखिए बेटा टाइम और पोजिशन का जो ग्राफ है वो किस तरह से दिया हुआ है, देखें, देखो यहाँ पर ये एक्स है, ये यहाँ पर कितना टी है, और इसका जो ग्राफ है वो कैसे दिया हुआ है देखो, ठीक है,
ओके फिर यहाँ पे थोड़ा सा यू है, फिर यू है और ये यू है और ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस तरह से और फिर ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ बन करके आ रहा है हमारे पास में और ये एक्स और टी के बीच में ग्राफ है और इस ग्राफ को देख करके आपको यहाँ पे बनाना है वी टी ग्राफ। क्या बनाना है बेटा? वी और ये टी ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो देखो इस ग्राफ को देख करके आपको यहाँ पर वी टी ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाओगे इसको? तो देखो रंगीन चौक लेते हैं बेटा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा? एक्स और टी है, ठीक है ना। तो एक्स और टी दिया बेटा यहाँ पर, ये एक्स है और ये टी है। तो आप देखोगे कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये इस ग्राफ का स्लोप है, क्या है? स्लोप है। और ये जो स्लोप होगा वो वी को दिखाएगा, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? वी होता है। तो ये यहाँ पर वी को शो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूँ तो स्लोप क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है, राइजिंग लाइन आ रही है बेटा। तो स्लोप यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। और जब स्लोप इसका पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? वी पॉजिटिव है। इसके साथ में एक बात और है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? वी यहाँ पर पॉजिटिव तो है, साथ में कैसा है? कॉन्स्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो साथ में क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट भी है। तो वी यहाँ पर पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, तो पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, तो पॉजिटिव है। इसका मतलब बेटा ग्राफ जो है यहाँ से आएगा, तो वी पॉजिटिव बेटा यही है। अगर वी नेगेटिव होता तो मैं इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करता। तो यहाँ पर वी कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वी कॉन्स्टेंट है, यानी कि यहाँ पर वी क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन हुआ, स्लोप यानी कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्लोप कॉन्स्टेंट आ रहा है इसका। जब स्लोप कॉन्स्टेंट आएगा तब इसका मतलब वी यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टेंट है। और वी अगर कॉन्स्टेंट है, आपको पता है कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है? ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये इस पोर्शन के लिए हमारे पास में ग्राफ बन के आ गया है। फिर देखिए यहाँ पे आओगे बेटा, यहाँ पे आओगे तो आप बेटा देख रहे हो यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर आओगे, ये तो बेटा एक जैसा यहाँ तक, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो बेटा कितना एक जैसा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक ग्राफ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से थोड़ा सा ये टर्न कर जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा टर्न कर जाता, तो यहाँ से यहाँ तक तो अपने पास वो चीज़ है वो निकल के आ गई है। लेकिन मैं अगर इस पार्ट की बात करता हूँ तो इस पार्ट में भी स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। और साथ में बेटा क्या है? कांस्टेंट है, राइजिंग लाइन है बेटा। ये देखो ये लाइन कैसी है? राइजिंग लाइन है, साथ में राइजिंग लाइन है, इसके स्लोप कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कैसा हुआ? कॉन्स्टेंट हुआ। यानी कि वी यहाँ पर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा और कॉन्स्टेंट होगा। अब मजे की बात है कि ये बनेगा कहाँ पर? यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा? तो देखो यहाँ तो बन नहीं सकता ये ग्राफ, यहाँ तो बन नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ लूँगा तो वी की नेगेटिव वैल्यू क्या है? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन वी यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं, वी यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर कहाँ पर बनेगा? तो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा कि ये देख रहे हो, ये जो उसकी स्लोप आ रही है, ये स्लोप इससे थोड़ी सी तो क्या है? कम है। तो कम है, इसका मतलब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा? थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको, ये यहाँ पे बन जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा बेटा। तो स्लोप इसे क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा। फिर देखो मैं इसके लिए आता हूँ, यहाँ पे आकर के मैं देखता हूँ कि स्लोप इसकी कितनी है बेटा? जीरो है। स्लोप इसकी कितनी है बेटा? इस पार्ट की स्लोप जीरो है। जब स्लोप जीरो है इसका मतलब क्या है? वी जीरो है। तो वी जीरो बेटा कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा वी जीरो। वी जीरो तो बेटा यहीं आएगा, यहीं होता है, क्योंकि इसके बाद तो यही नंबर आएगा। तो ये यहाँ पर वी इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कितना बेटा? नेगेटिव स्लोप है इसकी। क्या है इसकी नेगेटिव स्लोप? कितनी इसकी नेगेटिव है? लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो लाइन कैसी आ रही है? फॉलिंग लाइन आ रही है। और फॉलिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यानी कि यहाँ पे भी कितना है? नेगेटिव। बट स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। तो नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट, तो नेगेटिव होगा तो ग्राफ कहाँ आएगा बेटा? नीचे आएगा। और नीचे बेटा इसके बाद में आएगा और यहाँ पे आप लिख देंगे कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कॉन्स्टेंट के लिए आप क्या कीजिए? उस पर एक खड़ी रेखा खींच दीजिए। तो जब आप खड़ी रेखा खींचोगे तो ये इसका जो है स्लोप जो होगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो अब ग्राफ जो बन गया, ये बन गया, ये इस तरह से ग्राफ बन गया हमारे पास, ठीक है। इसको ले सकते हो, ये इस बन गया। तो इस एक्स टी जो हमें ग्राफ दिया हुआ था, उस ग्राफ को देख करके हमें यहाँ पर वी टी ग्राफ ड्रॉ करना था, जो वही बात प्रूव कर रहा है जो ये बोल रहा है, जो ये ग्राफ बोल रहा है वही बात ये ग्राफ बोल रहा है। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ को देख करके दूसरा ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखा।
तो इस तरह से आपके पास में जो स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ थे और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने यहाँ पर सॉल्व की। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। नेक्स्ट जो हमारे ग्राफ के अंदर बचा हुआ है, सिर्फ छोटा सा पार्ट बचा हुआ है और वो बचा हुआ है पैराबोला। तो पैराबोला पर हम जो है वो नेक्स्ट पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।